एंड वेलकम वेलकम टू लर्निंग सेशन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इज सर्कल. ओके, आवर ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टचिंग सर्कल्स. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टचिंग सर्कल्स इन टुडेज लर्निंग सेशन. ओके, सो व्हाट आर द वेज इन व्हिच टू सर्कल्स कैन टच ईच अदर. ओके, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस आउट इन योर नोटबुक राइट नाउ. ओके, ओपन योर नोटबुक एंड ट्राई टू ड्रॉ टू सर्कल्स सच दैट दे आर टचिंग ईच अदर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टच. Touch means it should the two circles should touch each other at only one single point. If they are touching each other at more than one point, you won't call it as touching. Okay, you'll call it as intersecting or you could call it as overlapping. But here you are talking about touching circles. Okay, so they have to touch each other only at one single point. What I wanted to do is try this out in your notebooks right now. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to draw. What are the different ways in which two circles can touch each other? Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you paused the video and were able to try and see how many different ways in which you can make two circles touch each other. Okay, so there are only two ways in which this can be done, and check whether you have drawn these two ways. This is the first way. This is the most easy. Yeah, this is the easiest way, right? The two circles are touching each other externally. क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बाहर है ना ये सर्कल, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नली इन इंग्लिश. सो दीज टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी, एंड बिकॉज ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट. बिकॉज टेंजेंट का मतलब क्या है? टेंजेंट यानी एक लाइन जो सर्कल को बाहर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है. सो ये दोनों सर्कल्स को टेंजेंट है ये लाइन एल एट पॉइंट सी. ओके, दिस इज द फर्स्ट वे इन विच यू कैन मेक टू सर्कल्स टच ईच अदर. सेकेंड वे इज दिस. There is this bigger circle with center A, and inside that bigger circle, there's a smaller circle with center B, and both of them are touching each other at point C, from which you can draw a tangent, which is line L, to both the circles. Okay, so these are the only two ways in which you can make two circles touch each other. Touch yani sirf ek point pe meet hone chahiye dono. Okay, any other way, they will start touching each other in more than one point. Okay, and we won't call as touching. Okay, great. With that out of the way, let's move ahead. There is a theorem of touching circles. What does the theorem tell you? If two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. Isse pehle ki hum log is theorem ko samjhe, we should know what is the meaning of point of contact. Point of contact yani kya? Jis point pe wo dono circles ek dusre ko touch kar rahe hain. So yahan pe इस पॉइंट सी पे ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. सो सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दीज टू सर्कल्स. सिमिलरली हियर सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दीज टू सर्कल्स, द बिगर सर्कल विद सेंटर ए एंड द स्मॉलर सर्कल विद सेंटर बी. ओके, सो व्हाट इज द थ्योरम टेलिंग अस? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ओके, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो उस लाइन पे लाई करेगा जो लाइन दोनों सेंटर्स से पास हो रही है. सो हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द टू सेंटर्स आर ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में एक लाइन बना दिया तो पॉइंट सी उस लाइन के ऊपर आ गया. ओके, सो इट इज फॉलोइंग द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. सिमिलरली हियर ऐसा तो नहीं लग रहा, राइट? अभी यहाँ पे दो सेंटर्स कौन से? ए एंड बी. सो ए एंड बी को ज्वाइन कर लो तो ये ब्लू लाइन मिल जाएगा. नाउ इज पॉइंट सी ऑन दिस ब्लू लाइन? द आंसर इज नो. सो डज दैट मीन कि ये जो सेकेंड कंडीशन है या फिर सेकेंड वे है, सेकेंड केस ऑफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, दैट डज नॉट फॉलो दिस थियोरम ऑफ टचिंग सर्कल्स? इज दैट द केस? द आंसर इज नो. व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो ए बी है, जो दो सेंटर्स को ज्वाइन करके लाइन बना है, उसको तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो एक्सटेंड इट टूवर्ड्स द राइट एंड यू विल गेट दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन. सो दिस डॉटेड लाइन इज रीचिंग अप टू पॉइंट सी, राइट? सो दिस सी इज ऑन द लाइन joining the two circles, but usko thoda extend karna padta hai. Okay, so for both the cases, when you join the centers of the two line, wo jo point of contact hai, jis point pe touch kar raha hai, wo dono points uske center pe lie karega. Sorry, not center pe lie karega, us line pe lie karega jo line dono centers ko join karke bana hai. Okay, so that is your theorem of touching circles. If two circles touch each other, the point of contact lies on the line joining their centers. Okay, let's move ahead. Distance between centers of two touching circles. So distance kya hoga? For example, yahan pe
इस केस में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, डिस्टेंस इज ए बी, राइट, दैट डिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस रेड लाइन. ये जो रेड लाइन है ये डिस्टेंस है दो सर्कल्स के सेंटर का, सेंटर के बीच का. ओके, हाउ विल यू फाइंड दिस, यू कैन वेरी क्लियरली सी, राइट, दिस ए बी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए सी एंड सी बी. व्हाट इज ए सी? ए सी इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सो दिस ब्लू पार्ट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. सिमिलरली सी बी, सी बी इज द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल, राइट, दैट इज दिस पर्पल पार्ट. सो दिस ब्लू पार्ट प्लस पर्पल पार्ट विल गिव यू द रेड पार्ट. सो यहाँ पे दोनों रेडियस को एड करके हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मिल गया. वॉट अबाउट हियर? हियर वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स? इट इज दिस, दिस रेड लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स. कैन यू रिलेट दिस टू देयर रेडियस? रेडियस देखते हैं उनका कैसा दिख रहा है. ओके, सो बड़ा सर्कल कौन सा है? बड़ा सर्कल है ये. ओके, और उसका सेंटर क्या है? सो ए सी विल बी द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. सो जो ब्लू लाइन है वो बड़े सर्कल का रेडियस है. देखो सेंटर से सर्कल के तरफ जा रहा है, सर्कल पे, सर्कल के एक पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है. सो द ब्लू लाइन इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? स्मॉलर सर्कल कौन सा है? ये, दिस इज द स्मॉलर सर्कल. व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल? पॉइंट नंबर बी इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो उसका रेडियस कैसे हो जाएगा? ऐसे पर्पल कलर में. सो फ्रॉम बी टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बी इज द सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. नाउ डू यू रियलाइज, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन माइनस पर्पल लाइन, तुम्हें रेड लाइन मिल जाएगा, इजंट इट? दिस ब्लू लाइन माइनस द पर्पल लाइन, तुम्हें रेड लाइन मिल जाएगा. एंड रेड लाइन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. व्हाट वॉज द ब्लू लाइन? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. व्हाट वॉज द पर्पल लाइन? रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. सो उन दोनों को जब माइनस करते हैं तब डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल मिल रहा है. ओके, सो इस केस में व्हेन द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज गिवन बाय एडिशन ऑफ द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल. सिमिलरली यहां पे व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अंदर से टच कर रहे दो सर्कल्स एक दूसरे को, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी फाउंड आउट बाय डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्कल. ब्लू विच इज द बिगर सर्कल का रेडियस माइनस पर्पल विच इज द स्मॉलर सर्कल का रेडियस, तुम्हें मिल जाएगा रेड लाइन विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. ओके, तो यहाँ पे दोनों रेडियस को प्लस करके आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यहाँ पे दोनों रेडियस को माइनस करके आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. ओके, दैट कैन बी यूज एंड विल बी यूज इन आवर सम्स इन प्रैक्टिस सेट 3.2. ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज remember these three points. If you remember these three points, you should be able to solve all the sums in practice at 3.2. First point, the point of contact of touching circles lie on the line joining their centers. Okay, agar those circles ek dusre ko touch kar rahe externally ya internally, unka jo point of contact hai, jo point pe wo log ek dusre ko touch kar rahe, wo point kis pe lie karega? Wo do circles ke center ko jab join karoge us line pe wo lie karega. सेकेंड पॉइंट, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर बाहर से दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एरिया, दोनों रेडियस को ऐड कर दो तो दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा. कब? जब दो सर्कल्स एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, अगर दो सर्कल्स अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी डिफरेंस ऑफ द रेडियस. डिफरेंस यानी दोनों रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, तब तुम्हें उन दो सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट्स, यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल सम्स इन प्रैक्टिस सेट 3.2. सो नाउ वी स्टार्ट डूइंग दैट. सो दीज आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2. दे आर वेरी 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 सिंपल सम्स. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, अंदर से टच हो रहे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो हमें पता है जब इंटरनली टच होते हैं तब रेडियस को माइनस करना होता है. So 4.8 minus 3.5 क्या हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा, right? 1.3 should be the answers. मुझे solve भी नहीं करना पड़ा, मुझे बस दिख गया कि internally touch हो रहे, distance between centers पूछा है तो दोनों के radius को minus कर दो, and I get the answer very simply. Second question में two circles of radius 5.5 centimeters and 4.2 centimeters touch each other externally. पहले मैं internally touch कर रहा था, second वाले में externally बाहर से touch हो रहा, find the distance between the centers. तो हमें पता है जब एक्सटर्नली टच होते हैं सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो हमें दोनों रेडियस को ऐड करना होता है. सो 5.5 प्लस 4.2 इट शुड बी 9.7. तो फर्स्ट का आंसर है
1.3, second का आंसर है 9.7, राइट. वेरी सिंपल, बट अगेन ज्योमेट्री में मेनी टाइम्स फाइंडिंग आउट द आंसर इज वेरी सिंपल, बट राइटिंग इट वेरी नीटली एंड करेक्टली स्टेप वाइज वाइल गिविंग करेक्ट रीजंस फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट योर स्टेप्स फॉर द फर्स्ट सम एंड द सेकेंड सम यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ. ओके, सो दिस इज माई सोल्यूशन टू द फर्स्ट सम. First point, first step is always going to be draw a neat and clear diagram. Once you draw a neat and clear diagram, you will have a very good understanding of what's happening in the problem. Okay, so this is my diagram. Let my bigger circle with circle be a circle with center P, and my smaller circle be circle with center Q, and let both of them meet at point R. Okay, or touch at point R. So ye maine डायग्राम खुद से बना, इट वॉज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो आई हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम इन माई अजम्पशंस. ओके, सो लेट द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स पी एंड क्यू टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट आर. ओके, और हमें क्या पता है, उनके रेडियस पता है. सो क्यू आर छोटे सर्कल का रेडियस है, सो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर. पी आर बड़े सर्कल का रेडियस है, सो पी आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. नाउ यूज द थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, राइट. वी जस्ट स्टडीड थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. व्हाट डज इट टेल यू? For you to use theorem of touching circles, you should first know that both of them are touching each other internally. Okay, so you first write that the two circles touch each other internally, and therefore by theorem of touching circles you can write P dash Q dash Q. P dash Q dash Q. P dash Q dash R का मतलब क्या है? P dash Q dash R का मतलब ये तीनों एक line पे lie करते हैं, and that's what your touching circles theorem tell you, right? कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दो सेंटर्स को जो जॉइन करके लाइन आता है उसी लाइन पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा. सो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे. सो पी डैश क्यू डैश क्यू सॉरी पी डैश क्यू डैश आर का क्या मतलब है? पॉइंट पी क्यू एंड आर ऑल थ्री लाई ऑन द सेम लाइन. ओके, वंस दे लाई ऑन द सेम लाइन यू कैन टेल यू वॉन्ट टू फाइंड वट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज पी क्यू. सो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर, राइट. पी आर इज द बिगर रेडियस एंड क्यू आर इज द स्मॉलर रेडियस. तो पी आर माइनस क्यू आर तुम्हें पी क्यू मिल जाएगा. एंड इसका तुम्हें पूरा सेंटेंस लिख के रीजन लिखना पड़ेगा. ओके, द एंटायर सेंटेंस यू हैव टू राइट. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस. ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा एज द रीजन. ओके, एंड नाउ यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट. सो यू विल सब्स्टिट्यूट पी आर क्या है 4.8 यहाँ पे दिया था, क्यू आर क्या है 3.5 यहाँ पे दिया था. सो 4.8 माइनस 3.5 1.3 सेंटीमीटर्स. ओके, एंड देन यू पुट द फाइनल आंसर इन पेंसिल बॉक्स. क्वेश्चन क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर्स. ओके, सो यू 1.3 जो आंसर है हम लोग ने बहुत पहले निकाल दिया था, बस एक बार रीड किया क्वेश्चन को एंड वी वर रेडी विद आवर आंसर. बट दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. यू हैव टू मेक द डायग्राम फर्स्ट, एक्सप्लेन द डायग्राम, सी दैट दोज टू टच ईच अदर इंटरनली, देन विच थ्योरम आर यू यूजिंग. Because of the theorem, what is coming as a result of that? Substitution, calculation, reasoning, and the final answer in pencil box. All these things have different marks assigned to them. Okay, so you all should know how to write the answer in geometry. That's more important. Finding out the answer is generally easier. Okay, so I've done the first sum for you all. Now I want you all to try the second sum by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and look at how you have solved, first sum and try to solve the second sum. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you pause the video and are ready with your second answer. Now we are going to cross check whether you have written it correctly or not. Okay, so this is your answer to the second question. We'll first draw the diagram and write the explanation or assumption for the diagram. Let the two circles having centers P and R touch each other externally at point Q. तो ये सर्कल विद सेंटर पी, ये सर्कल विद सेंटर आर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट क्यू, दैट यू हैव एक्सप्लेन. नाउ उनके रेडियस पता है तुम्हें. सो पी क्यू विल बी 5.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दिया था, एंड क्यू आर विल बी 4.2 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दिया था. ओके, नाउ यू विल से टू यूज द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, तुम्हें पहले बोलना पड़ेगा कि वो दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. सो यू फर्स्ट से दैट these two circles touch each other externally, and hence by using theorem of touching circles you can write p dash q dash q. iska matlab kya? p q and r all three points lie on the same line. Okay, and iska again you have to write the reason in complete sentence. The distance between the centers of the circle touching each other touching externally is equal to the sum of the radii, right?
So this is the reason for this term. What? PR, which is the distance between the center, is equal to PQ plus QR. जो हमने यहाँ लिखा है उसका ये लंबा सा sentence will come as reason. Now just substitute and calculate. PQ is 5.5, QR is 4.2 and the answer is 9.7. Then you write the final answer in pencil box. The distance between the centers of the two circles is 9.7 centimeters. Again, we had found the answer just by reading the question. It was very easy to find the answer. But you should learn, you should have practice of how to write this very systematically. Important points over here. Diagram on the top right side. Giving reasons for each and every step, so on and so forth. Okay. So we are also done with the second question. Let us move on to the third question. Third question is a construction question. Okay. You don't have to solve anything, but you should be able to construct two touching circles. Okay. So for this, you'll have to take out your compass. Okay. Compass from your geometry box. So take out compass from your geometry box and try to solve this question by yourself. I'm not going to teach you how to draw this. There are so many ways to do this correctly. They are saying radius of two circles is 4 centimeter and 2.8 centimeter. Draw figure of these circles touching each other first externally and then internally. Okay. So tumhe circle kaise banana hai tumhe pata hai, right? You will take, say for example, 4 centimeter. So scale pe 4 centimeter loge, apna compass adjust karke 4 centimeter le loge, compass pe aur ek circle bana doge. And then you have to make another circle of 2.8 centimeters radius and usko first circle se touch karwana hai. Ek bar externally, ek bar internally. So just use your own brains, try to problem solve this. I'm not going to teach you, I'm not going to tell you how to, I'm not going to tell you the steps to solve this problem. Try to do this by yourself. I think you should be able to figure this out by yourself. I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to draw two circles by yourself. Okay. Okay. I hope you are done drawing four circles. Pehle do circles externally touch hote hue and baki ke do circles internally touch hote hue. So I hope you are done solving, done drawing. And now let us cross check. Okay, cross check kya karne wale, we all know how it should look like. This should have, it should have looked like this. Okay, so what are the steps you use? There are many ways to do this. Okay, many ways to do this correctly. So if I was a student, what would I do? Main sabse pehle kya karta, main pehle ye line bana deta, PR. Okay, kitna lamba banata? 4 plus 2.8 is 6.8. So 6.8 centimeters ka pehle main ek line bana deta. Next, what I would do is I would keep my pointer of the compass over here and keep the pencil of my compass 4 centimeters away from here. 4 centimeters liya na hum log ne scale pe, to compass ka 4 centimeters scale pe lene ke baad pointer yahan pe rakh do and fir yahan se ek circle bana do 4 centimeter ka. And hum log ne PR already draw karke rakha tha, right? PR we have already drawn at first of 6.8 centimeters, 4 plus 2.8. Abhi second time ke liye main, I will take 2.8 centimeters on my compass and I will keep my pointer on point R and my pencil on point Q. And again, I'll make a circle of 2.8 centimeter over here. Okay, so your trick was ki pehle is circle ko bana, fir baad mein is circle ko bana, it's not going to work out. Tumhe hamesha, tumhe kabhi perfect answer nahi milega. Perfectly ek point pe join ya touch nahi honge. Perfectly ek point pe kab touch honge? When you make the line first. Pehle pura ka pura PR draw kar lo. Fir baad mein yahan se 4 centimeter leke circle banao. फिर यहां से 2.8 सेंटीमीटर लेके सर्कल बना दो. द फर्स्ट स्टेप एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप वाज पूरा का पूरा पीआर ड्रॉ कर लो पहले. 4 + 2.8 = 6.8 सेंटीमीटर का. ओके, सो दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. दिस इज हाउ द सेकंड वन विल लुक लाइक. ओके, अगेन देयर आर सो मेनी वेज टू ड्रॉ दिस करेक्टली. इफ आई वाज अ स्टूडेंट, व्हाट आई वुड हैव डन इज मैं पहले PQ ड्रॉ कर लूंगा. PQ इज 4 सेंटीमीटर, राइट? PQ ड्रॉ कर लूंगा. एंड PQ ड्रॉ करने के बाद PQ पे P कंपास का पॉइंटर मैं P पे रख दूंगा. ओके, ऑन पॉइंट P आई विल कीप द पॉइंटर ऑफ द कंपास एंड आई विल कीप द पेंसिल ऑन पॉइंट Q एंड आई विल मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. दैट्स माय फर्स्ट स्टेप. भी बड़ा सर्कल बन गया, भी बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनाना है. सो पॉइंट Q से आई विल फर्स्ट मार्क 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा सर्कल का रेडियस क्या है? 2.8. सो पॉइंट क्यू से मैं एक 2.8 सेंटीमीटर पे पॉइंट आर मार्क कर दूंगा. देन आई कीप माय पॉइंटर ऑफ माय कंपास ऑन पॉइंट आर एंड माय पेंसिल ऑन पॉइंट क्यू एंड अगेन आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. सो दैट्स द स्टेप. ओके, सो पिछले वाले में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था कि पहले पूरा का पूरा पीआर ड्रॉ कर लो 6.8 सेंटीमीटर का, देन इट बिकम्स इजी. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था कि एक बार तुम लोग ने बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर बाद में
पॉइंट क्यू से 2.8 पे पॉइंट मार्क कर दो रेडियस पे, एंड वहां पे फिर बाद में पॉइंटर रख दो अपना कंपास का एंड ड्रॉ स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. सो दीज वर द टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दीज टू आर नॉट द ओनली वेज टू ड्रॉ दिस टू सर्कल्स करेक्टली. देयर कुड बी सम अदर वे, देयर कुड बी अ फ्यू अदर वेज टू डू दिस करेक्टली एज वेल. इफ दैट्स द केस आई एम ओके विद दैट एज वेल. ओके, बट योर डायग्राम शुड बी नीट, योर डायग्राम शुड बी एक्यूरेट. ओके, इफ आई तुम लोगों ने जो कुछ भी ड्रॉ किया, इफ आई टेक the scale and measure PQ, it should come 4 centimeters. If I measure RQ in your notebook, it should come as 2.8 centimeters. यहाँ पे point Q सिर्फ एक ही point होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, थोड़ा सा अंदर आ रहा है. If it's not going to get full marks. Similarly here, it should touch each other only at one particular point. अगर ये circle इसके अंदर घुस गया, फिर थोड़ा बीच में gap रह गया, you are not going to get full marks. So you have to draw very neatly and accurately. Okay? So that's it. We have completed the first three sums for practice set 3.2. The last two sums are remaining, question number 4 and question number 5. These two questions we'll see in the next learning session. Okay, so just check whether you have achieved today's learning objective or not. Will you be able to solve problems based on touching circles? You have to answer that question for yourself. Although we'll have the same learning objective for next time also when we solve fourth and fifth question. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you had fun drawing the two touching circles. I think that can be fun. And we'll see each other in the next learning session. Okay. Till then, bye and peace.